दोस्तों ये शंकर नगर है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मेला देखने मिलेगा जो कि जगन्नाथ यात्रा के रूप में आपको देख सक रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे और पूरा रायपुर में यही सारे सब्सक्राइबर है। बहुत मज़ा आता है ऐसे पब्लिक में ब्लॉग बनाने में कि लोगों का रिएक्शन भी पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं क्या देखते करके, और कितनी खूबसूरत लोग भी देख सकते हो। हाँ भाई, अरे यार लड़कियों को देखने में लोग देखते हैं भाई। हाँ, संतोष नॉलेज ब्लॉग, संतोष नॉलेज ब्लॉग, हाँ भाई, हाँ सब लोग आगे जय श्री राम भैया। तो पब्लिक में देख कुछ फैंस भी बनते हैं कि बहुत अच्छा लगता है लोगों को देख के, अच्छा लगता है रिएक्शन अंदर। हाँ हाँ हाँ, तो लोग सजेस्ट भी करते हैं, ब्लॉगर लोगों को एक रिस्पेक्ट भी मिलता है और ये एक अच्छी चीज़ लगती है। और ये कहीं ना कहीं हमारा पैशन है, इसलिए हम इसको परस्यू करते हैं और कहीं ना कहीं समय निकाल लेते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो फेमस चीज़ होती है तो ज़रूर हम लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, जैसे कि जगन्नाथ यात्रा है, ये बहुत फेमस चीज़ है। तो ये है, ये पीछे का गेट है, यहाँ से हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल है। और आगे के गेट से जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हम लोग पीछे के गेट को पकड़े हैं और आपको यहाँ से लेके चल के दिखाते हैं किस तरीके का माहौल है। आप देख तो सकते हो कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, मगर जगह कहीं ना कहीं बन जाती है अगर आप बनाने की कोशिश करो। नहीं कैसे भाई, सही बोल रहा हूँ? सब बढ़िया। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, बता पूछ रहे भाई। तो ऐसा है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत ही शानदार डांस देख सकते हो, एकदम बहुत ही शानदार लग रहा था डांस। और इस तरीके का यहाँ माहौल है। जय श्री राम, हमारा नरेंद्र मोदी भी प्यारा भी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। संतोष कॉलेज, चलिए ये है आपको एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। जय जगन्नाथ भगवान। और यहाँ से देख पा रहे होंगे ये हम एंट्री कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और आपका आवाज़ क्लियर आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं, इतने ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा तो आपको इसका कैंसिलेशन भी चालू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भगवान उतर गए, धरती पे उतरे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान खुद आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो भगवान बहुत आश्चर्य वाली बात है कि बिल्कुल हिल नहीं रहे। और ये कहीं ना कहीं ये इंसान है कि
मतलब मोम है ये समझ नहीं आ रहा है, मगर इंसानी होंगे। और जहाँ तक मैं दो तीन लोगों से पूछा कंफर्म किया हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आग खिलते हुए दिखेगा, मतलब समझ पाओगे कि ये इंसान मतलब है करके, मगर ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये भगवान है, भगवान जैसे बन गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे देखिएगा ये आग खिलेंगे, आग खिलेगा जय भोले बाबा, आशीर्वाद दे तुम्हारा। अरे एक एक जन से छूट के मिलने, वो गरीब ब्राह्मण जो आपने सुना होगा वो भी आया है, आप लोग जो पीछे देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ अंदर जाके आपको दर्शन करा के दिखाया हूँ दोस्तों, तो और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से कोई नए फेमस जगह पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बेल आइकन जरूर दबाइए दबाइए, कमेंट भी करने बोलना भाई, कमेंट नहीं करते यार।